हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज हम फाइनली बात करने वाले हैं लेनोवो आइडियापैड गेमिंग 3i के बारे में। दोस्तों, ये लैपटॉप लॉन्च हो चुका है i7 11th generation के साथ और बस एक ही वेरिएंट लॉन्च हुआ है। इस लैपटॉप को लॉन्च होते ही मैं डिसअपॉइंटेड हो गया और आप इसके स्पेक्स वगैरह सुनेंगे तो आप भी डिसअपॉइंटेड हो जाएंगे। तो क्या ऐसी चीज़ें इस लैपटॉप में देखने को मिलते हैं, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अभी हमारे चैनल को ग्रोथ मिलेगी। आगे हम दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं इस लैपटॉप के बारे में। तो लैपटॉप ठीक ठाक सा ही है, जैसा हर साल लॉन्च होता है वैसा ही सेम बॉडी है यहाँ पे। लेकिन एक दोस्तों बात ध्यान दीजिए कि बॉडी जो है वो उतनी अच्छी नहीं होती है। लेनोवो आइडियापैड सीरीज़ की फ्लेक्स बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप कीपैड पर भी अगर आप फ्लेक्स करेंगे तो बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप ऊपर लिड पर भी करेंगे तो भी आपको बहुत ज़्यादा फ्लेक्स देखने को मिलेगा, यानी हार्ड प्लास्टिक का यूज़ नहीं किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पे RGB वगैरह का, तो यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ वाइट लाइट ही मिलेगा बैकलाइट में, बाकी आपको कोई भी 4 जोन या फिर अलग कलर नहीं देखने को मिलने वाले हैं। सबसे मेन चीज़ इस लैपटॉप की जो कि है प्रोसेसर, जो कि बहुत ही बेकार है। मीन्स क्या कहूँ मैं आपको, देखने के लिए तो यहाँ पे i7 मिलता है 11th generation। अब काफ़ी लोग यहाँ पे जो है वो चेक नहीं करेंगे, इंटरनेट पे जाके सर्च नहीं करेंगे कि ये प्रोसेसर कैसा है, लेकिन ये प्रोसेसर जो है ना वो आपको लगभग अगर आपको 60,000 का मिलता है फिर भी बहुत है, क्योंकि ये जो i7 11th generation है वो आपको 4 cores और 8 thread के ऊपर देखने को मिलता है। वहीं अगर हम दोस्तों Ryzen 5 की भी बात करें यहाँ पे, तो वो भी आपको 6 core और 12 thread के साथ देखने को मिलता है। तो इसे i5 और i7 में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। आपको इसके जगह पर Ryzen 5 मिलता है तो इसे 1,00,000 गुना अच्छा होगा। प्रोसेसर वाइज ये लैपटॉप जो है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, मैं आपको कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा। प्राइस जो है वो इसकी 85,000 rupees है। अब मुझे ये चीज़ देख के शौक हो गया मैं कि 85,000 rupees ऐसा क्या है इस लैपटॉप में जो रखा गया है, तो मैं आपको बताता हूँ क्या ऐसा चीज़ है। तो यहाँ पे है RTX 3050। अब RTX 3050 का एक बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे हाइप क्रिएट कर दिया गया है मार्केट में कि जो भी इस ग्राफिक्स के साथ आएंगे वो काफ़ी महंगे होंगे। अब यहीं पे लेनोवो की तरफ से ही रीजियन सीरीज़ आई थी, लेकिन वो भी आपको 1,10,000 के ऊपर देखने को मिलता है, तो इसे रखा गया है 85,000 का। अभी दोस्तों जितने भी मार्केट में लैपटॉप्स है 1650 Ti के, अगर कोई लैपटॉप RTX 3050 दे भी रहे हैं तो वो 80, 90, 90+ जा रहे हैं। तो यहाँ पे एक इनिशिएटिव HP की तरफ से बढ़िया था कि वहाँ पे आपको HP Victus में 74,000 में आपको RTX 3050 मिलता है, जो कि हर एक चीज़ में अनबीटेबल है। हालांकि आपको पूरे ऐसे लैपटॉप में बात करें तो यही मिलता है RTX 3050 4GB VRAM के साथ, लेकिन अगर हम इसकी कूलिंग की बात करें यहाँ पे थर्मल्स वगैरह की बहुत अच्छी नहीं है, यहाँ पे बेसिक लेवल का थर्मल है। अब मैं दोस्तों एक बात आपको कहना चाहूँगा कि ये जो लैपटॉप है आइडियापैड गेमिंग, ये आपको बजट सीरीज़ में देखने को मिलती है, यानी 60,000 to 70,000 के अप्रॉक्स में, यानी आप कह सकते हैं कि बेसिक लेवल की जो गेमिंग होती है उसे आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें अच्छी देखने को नहीं मिलेंगी, बस एक छोटा सा डब्बा में RTX 3050 लगा दिया गया है, बाकी कुछ नहीं है इस लैपटॉप में। तो मैं आपको कहूँगा कि आप इस लैपटॉप को इग्नोर कीजिए, 85,000 में इससे आपको बेहतर लैपटॉप देखने को मिल जाएंगे। आपको यहाँ पे ROG सीरीज़ के भी है, MSI का भी है और यहाँ पे ASUS टब भी है आई थिंक, तो आपको बहुत सारे लैपटॉप है जो आपको 3050 Ti दे देंगे इस प्राइस रेंज में। तो आई थिंक मेरे हिसाब से आपको इग्नोर करना चाहिए, आपको ये लैपटॉप नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों बस इतना ही था इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोज़ लेके आते रहता हूं।